हम कह सकते हैं कि विकलांग के साथ साथ बेचर का जो क्लासिफिकेशन है, दोनों का संयुक्त जो क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग यहाँ थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसको लिखा जाता है विकलांग बेचर थ्योरी। लाइक इसीलिए हमने यहाँ वर्गीकरण लिख दिया है, यहाँ नहीं कुछ लिखा है। सो ये विकलांग और बेचर का वर्गीकरण या विकलांग और बेचर का अनुशासन का सिद्धांत से हम लोग जानेंगे। लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि इट इज ए एडवांसमेंट ओवर द विकलांग क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें हार्ड सॉफ्ट और प्योर अप्लायड के साथ साथ लाइफ सिस्टम और नॉन लाइफ सिस्टम का कंसेप्ट था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की चर्चा इसमें भी होगी, या फिर कुछ इसमें होगा, कुछ उसमें एडिशनल होगा, कुछ नहीं होगा। बट द बेसिक यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, सो द विकलांग क्लासिफिकेशन विल एक्ट एज ए फाउंडेशन स्टोन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ विकलांग एंड बेचर क्लासिफिकेशन। सो विकलांग्स वर्क कंसंट्रेटेड ऑन कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ डिसिप्लिन। बेचर इन 1989 बेचर बेचर इन 1989 कॉल्ड अटेंशन टू द सोशल डायमेंशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। मतलब आप देख लीजिए कि कह रहा है कि विकलांग का जो क्लासिफिकेशन था डिसिप्लिन का, इट वॉज हैविंग एकेडमिक डायमेंशन, वेयर एज इन 1989 बेचर टू अनदर डायमेंशन, दैट इज सोशल डायमेंशन। सो ऑब्वियस है कि दोनों होंगे तो इसका एवलगेशन, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन ए मोर ब्रॉडर। सो बेचर इन 1989 कॉल्ड अटेंशन टू द सोशल डायमेंशंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स फ्रॉम देयर कंसेप्ट्स। द विकलांग बेचर टोपोलॉजी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज्ड। और ये इनका विकलांग का और ये बेचर का, विकलांग का एकेडमिक डायमेंशन और बेचर का सोशल डायमेंशन, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोवाइडेड एंड अनदर क्लासिफिकेशन, दैट इज विकलांग बेचर टोपोलॉजी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू विकलांग एंड बेचर टोपोलॉजी, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल। ये तो लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड आपके पास है। पहले में जैसा कि उसमें था, पहला ग्रुप में इन्होंने रखा हार्ड एंड प्योर। हार्ड एंड प्योर, वहां हार्ड सॉफ्ट था, यहां हार्ड और प्योर, पूरा लिख ही दूंगा सहूलियत होगी। दूसरा ग्रुप इन्होंने रखा हार्ड एंड अप्लाइड, मतलब वो क्रॉस हार्ड एंड अप्लाइड। तीसरा जो ऐड किया उसमें सॉफ्ट ले लिया, हार्ड हार्ड फिर सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड प्योर। और चौथा जो लिया, आपको अभी अनुमान लगा सकते हैं कि सॉफ्ट एंड अप्लाइड। और यदि हम यहां देखें, जब चार ही ग्रुप में क्लासिफाई किया, तो जो विकलांग का तीसरा एस्पेक्ट था, जिसमें क्लासिफिकेशन में उन्होंने लाइफ सिस्टम एंड नॉन लाइफ सिस्टम रखा था, वो यहां विकलांग बेचर के क्लासिफिकेशन में नहीं है, यही चार इनके डिसिप्लिन के क्लासिफिकेशन में। अब उसका मतलब समझिए, हार्ड एंड प्योर, हार्ड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम प्योर, बट दिस इज ए प्योर क्लासिफिकेशन, दैट इज हार्ड एंड प्योर। हार्ड एंड प्योर अलग अलग नहीं, हार्ड एंड प्योर टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, इम्फेसाइज डिस्कवरीज एंड एक्सप्लानेशन। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नॉलेज टू डिस्कवर
एंड नॉलेज टू एक्सप्लेन, इसमें। और इस कैटेगरी में इन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट को रखा जिसका नाम दिया मैथमेटिक्स, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैथमेटिक्स साइंस के ही सारे सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एक्सेट्रा, मतलब हार्ड एंड प्योर, मतलब थ्योरी तो उसमें है लेकिन हार्ड है साइंस की तरह। सो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा को हार्ड प्योर में रखा, और फिर हार्ड अप्लाइड, जैसा कि आपने वहाँ देखा था कि जो प्योर है उसकी थ्योरी को इस्तेमाल करता है अप्लाइड वाला, तो यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इम्फेसाइज प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स, मतलब ये क्या करता है, इम्फेसाइज करता है किसको, प्रोडक्ट को, मतलब कुछ बनेगा, और टेक्निक को, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, प्रोडक्शन। और इसमें है आपका मेडिसिन, दूसरे वाले में, तीसरे में नहीं, मेडिसिन, फिर इंजीनियरिंग, वहां भी आपने देखा था इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन एक साथ लिखा है, एंड मेनी मोर। मेडिसिन में भी आप देखते हैं कि कई सब्जेक्ट का इस्तेमाल है, केमिकल फार्मूला और केमिस्ट्री का इस्तेमाल, फिर बायोलॉजी का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल। तो हार्ड अप्लाई, पहला आपने देखा कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सारे हार्ड सब्जेक्ट का जिसमें उन लोगों को रखा, इसमें टेक्निक एंड प्रोडक्ट, तो ये हार्ड अप्लाइड कर दिया। फिर एक सॉफ्ट प्योर, सॉफ्ट एंड प्योर, मतलब इसमें एंड भी हटा दीजिए तो आप ऐसे लिखिए हार्ड प्योर, सॉरी हार्ड प्योर, हार्ड अप्लाइड, सॉफ्ट प्योर एंड सॉफ्ट अप्लाइड, एंड भी बीच का हटा। तो सॉफ्ट प्योर में इम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब यहाँ ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, इसका मतलब सोशल साइंस की तरफ ले जा रहा है, जो जनरल सब्जेक्ट है जिसके नेचर की स्टडी कंपेरेटिवली सॉफ्ट है, तो उस सब्जेक्ट्स में कौन कौन डाला, सोशल साइंस के मुख्य सब्जेक्ट, और फिर जो लिटरेचर है, आर्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहा इट इम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन सोशल इशूज, तो इसमें रखा हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, लिटरेचर, आर्ट, थियोलॉजी, ये बहुत पुराना कंसेप्ट शुरू से ही चला आ रहा है, जिसमें कानून वगैरह के साथ साथ बहुत सारी जो सामाजिक व्यवस्था वगैरह है उसके अध्ययन की बात, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, मतलब सॉफ्ट प्योर माना कि ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है प्योर का, जिसका काम है सोसाइटी और ह्यूमन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना और उन स्वभावों और व्यवहारों का अध्ययन करना, मतलब इट इज रिलेटेड टू दी ड्यू टू प्योर, इट इज रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड इट इज सॉफ्ट इन नेचर, सो इट गोज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फिनोमेना, ह्यूमन स्टडी। इसमें हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, थियोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह टाइप के सब्जेक्ट आए। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्ट अप्लाइड, सॉफ्ट अप्लाइड इम्फेसाइज प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स। ये देखिए सेकेंड वाला, इसका भी जो था उसमें प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि सोशल साइंस वगैरह की चीज़ें, नियम, कानून, कायदा, मोरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इम्फेसाइज प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स, जिसमें डाला किसको किसको, एजुकेशन, लव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑब्वियस है ह्यूमन रिसोर्स वगैरह टाइप की भी चीजें इसमें होंगी। तो ये क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने समझा, मुख्य रूप से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत सारी बातें हमको करनी है,
ये आपका जो वर्गीकरण, इसमें आप देखें कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, इस प्योर में भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, लेकिन ये साइंस की तरफ, ये सोशल साइंस की तरफ, और ये साइंस के एप्लीकेशन से और ये सोशल साइंस के एप्लीकेशन से, इसीलिए प्रोटोकॉल वगैरह है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर विकलांग और बेचर समझाने का प्रयास कर रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विथ माई एक्सप्लेनेशन कि ये थ्योरेटिकल और ये भी थ्योरेटिकल ड्यू टू प्योर एंड ड्यू टू दिस हार्ड एंड सॉर देर इज चेंजेस, और ये एप्लीकेशन है थ्योरेटिकल, ये प्योर का थ्योरेटिकल, ये साइंस वगैरह का थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, ये थ्योरी है, और ये सोशल साइंस का थ्योरी है, सोशल साइंस वगैरह या सॉफ्ट का एप्लीकेशन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हार्ड है वो साइंस की तरफ इशारा करता है, जो सॉफ्ट है वो सोशल साइंस की तरफ इशारा करता है, जो प्योर है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ इशारा करता है, जो अप्लाइड है वो डे टू डे की फंक्शनिंग में काम आने वाले चीज़ों की तरफ इशारा करता है। जब इतना आप समझ गए, दिस इज क्रूशियल, तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब डिफिकल्ट नहीं है। इतना ही आपको ध्यान मुख्य रूप से रखना चाहिए कि प्योर का मतलब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, अप्लाइड का मतलब एप्लीकेशन, ये आपका ये सॉरी हार्ड का मतलब साइंस की तरफ, जो हार्ड सब्जेक्ट जिसको आप मानते हैं डीप, मतलब जिसमें ह्यूमन बॉडी सॉरी ह्यूमन बीइंग की स्टडी कम है, दूसरी तरह की चीज़ों की स्टडी ज़्यादा है, जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह की तरफ, और फिर उसका कम्बिनेशन। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड साइंस वगैरह टाइप का, हार्ड आर्ट्स का, प्योर अप्लाइड दोनों का, कैसे सोशल साइंस का एप्लीकेशन, साइंस का एप्लीकेशन। सो ये कैटेगरी उसी तरह से हार्ड प्योर डिसिप्लिन, अब इसको पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। द नेचर ऑफ नॉलेज इन दिस डिसिप्लिन इज क्यूमुलेटिव एंड कंसर्न्ड विद यूनिवर्सल फेनोमेना। सच नॉलेज इज डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू और एक्सपेंशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। एज न्यू नॉलेज कीप्स एडिंग द ओल्डर फॉर्म ऑफ नॉलेज इज इन्हांस्ड। एज फॉर एग्जाम्पल एज रिसर्च ऑन द कंसेप्ट फ्रॉम कंसेप्ट एटम प्रोग्रेस्ड, आवर नॉलेज अबाउट एटम्स मेड इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। एटम के बारे में आप लोग ज्यादा ज्यादा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की तरफ गए और इशारा इस तरफ है। इन दिस डिसिप्लिन द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज सीकर एंड नॉलेज इज अनबायस्ड एंड वेरी ऑब्जेक्टिव। एक तो ये हो गया प्योर हार्ड प्योर में, ये वो जो हमने उन्होंने एक्सपेरिमेंटल की बात की थी, क्वांटिटेटिव की बात की थी, तो ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इन दिस डिसिप्लिन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज सीकर एंड नॉलेज इज अनबायस्ड एंड वेरी ऑब्जेक्टिव। अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसमें? हार्ड प्योर। देर आर वेरी डिफिनिट क्राइटेरिया टू वेरीफाई नॉलेज इन दिस डिसिप्लिन, जैसे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, हर बार Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा? वही बनेगा, हाइड्रोजन गैस हर बार निकलता है, और फिर इससे इसकी प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा, या नियम कैसे होगा। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो सोशल साइंस का है उसमें, या साइकोलॉजी का है, उसमें तो बहुत चेंज होता है। देर इज ए हाई डिग्री ऑफ कंसेंसस ओवर सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, जो अमेरिका में फिजिक्स की स्टडी से आता है वही इंडिया में आता है, दूसरे में नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल इफ टू साइंटिस्ट आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर रिजल्ट विल बी सिमिलर। इट डज नॉट मैटर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर वेरीफाइंग और एक्सपेरिमेंटिंग, कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं रिजल्ट सेम है। एकेडमिक कम्युनिटीज इन हार्ड प्योर डिसिप्लिन आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनकी जो सोसाइटी है वो उससे पास नहीं होगी तो नॉलेज नहीं माना जाएगा, सो दैट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। देयर वर्क इज क्वाइट कम्पिटिटिव एंड पब्लिकेशन रेट्स आर हाई। ये एक चीज याद रखिए कि इसमें पब्लिकेशन ज्यादा होता है,
पब्लिकेशन रेट इज हाई, किसमें? हार्ड प्योर ठीक है। एकेडमिक कम्युनिटीज इन हार्ड प्योर डिसिप्लिन आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, देयर वर्क इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव एंड पब्लिकेशन रेट्स आर हाई। एज फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने कवर किया। शुरू का बैकग्राउंड यहाँ आपको काम करेगा, और अपना एक पिक्चर बना दीजिएगा तो ये विकलांग के क्लासिफिकेशन को यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। फिर है आपका हार्ड अप्लाइड। ऑब्वियस है कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज है उसका ये एप्लीकेशन है। हार्ड डिसिप्लिन आर इन्वॉल्व इन परपजिव वर्क, द एम्फेसिस इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज रिजल्टिंग इन क्रिएटिंग टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स। These disciplines are practical in nature and are concerned with solving problems, addressing challenges and mastering the environment around us. और वहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है कि इंजीनियरिंग वगैरह इसी में आता है, या फिर जो आपका ये है हवाई जहाज उड़ाना, पायलट वगैरह का जो कंसेप्ट है वो सब फिजिक्स वगैरह के नॉलेज का, मैथमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल का नॉलेज वहाँ काम करता है। The focus is on application and hence heuristic approaches find more importance in such discipline to find, to discover. They use both qualitative and quantitative approaches, लेकिन मुख्य रूप से क्वान्टिटेटिव आस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब एप्लीकेशन करने लगते हैं नॉलेज का, चूंकि इसका काम ही एप्लीकेशन करना प्योर हार्ट के नॉलेज का, तो फिर वो क्वान्टिटेटिव आस्पेक्ट को भी या क्वान्टिटेटिव डाटा की भी मदद लेते हैं। The criteria of judging the product of such disciplines are functional. Such disciplines result in new techniques and products created. As for example, engineering. शुरू में भी हम लोगों ने लिया था वहाँ, where the knowledge of mathematics, physics and chemistry is instrumental. Medicine को भी हम लोगों ने इसमें लिया था, और यहाँ लिखा भी होगा कहीं ना कहीं यहाँ। और medicine utilizes biology and chemistry related knowledge. और बहुत सारी चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट में कहाँ काटेंगे तो देखेंगे, कहीं ना कहीं स्पेस का भी कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स का भी कंसेप्ट है जब सर्जरी की बात है। दी थोस इन सच डिसिप्लिन इज इंटरप्रेन्योरियल, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप, अपने काम करना, अपनी एक संस्था बनानी, एंड डोमिनेटेड बाई प्रोफेशनल वैल्यू, ये प्रोफेशनल लोगों का, और इसीलिए कह सकते हैं ये सबसे धनी फील्ड है, डॉक्टर लोगों का, इंजीनियर लोगों का। ये तो महान लोग क्रिएट करने में ही रह जाते हैं, इनको फुर्सत कहाँ है सांसारिक सुखों को भोगने का, ये लोग पूरा एंजॉय करते हैं। तो माल कमाने जैसा कंसेप्ट यदि हम कहें इन दिस एज ऑफ नॉलेज सोसाइटी, जो ज़्यादा प्रोफेशनल है वो ज़्यादा फीस लेता है ज़्यादा, हालांकि वो फीस वाला यहाँ भी आया सोशल साइंस के नॉलेज का, या साइंस के नॉलेज का वैज्ञानिक, आइंस्टीन के E=mc² का इस्तेमाल करके बम बना दिया, मेडिसिन यूटिलाइजेस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रिलेटेड। दिस इथोस इन सच डिसिप्लिन इज इंटरप्रेन्योरियल एंड डोमिनेटेड बाय प्रोफेशनल वैल्यू। पेटेंट्स, ये हर लोग कहता है आपके कितने पेटेंट है, सोशल साइंस वगैरह में पेटेंट वगैरह हो ही नहीं सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ भी थ्योरी जनरेट हो रहा है, पेटेंट क्या होगा, इसीलिए हर जगह ये चर्चा है कितना पेटेंट हुआ। अरे भाई, हम इंजीनियरिंग वाले लोग, मेडिसिन वाले लोग पेटेंट बनाएंगे, बाकी जगह पेटेंट का स्कोप नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी में बहुत लोग बहुत सारा माहौल भी दूसरे तरह का क्रिएट करते हैं। ये दिस इज द एरिया वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पेटेंट, कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत को पेटेंट की तरह लेना बड़ा कठिन है, और इवन भौतिकी और रसायन और गणित के सिद्धांतों को भी प्रतिपादित करते हुए, हाँ, जिसने भी प्रतिपादित किया, आइंस्टीन को पेटेंट की क्या जरूरत थी, पेटेंट इज देयर वेयर देयर इज एप्लीकेशन, इसको 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 मिला के हमने ये बना दिया, सबसे पहले हमने बताया। इसलिए पेटेंट पे बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं सोशल साइंसेज में, इवन हार्ड प्योर में, डिसिप्लिन में पेटेंट का स्कोप बहुत कम है,
और जो यहाँ चला गया उसको पेटेंट की जरूरत क्या है? ये हमने मेड इन इंडिया हमने बनाया, सबसे पहले किस कंपनी ने बनाई इसने, वहाँ पेटेंट का कंसेप्ट, वो उसको भी जोड़ दिया है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है ना उसको ऐसा ना, उसमें बहुत सारा उसमें भी भ्रम है, बट दैट इज नॉट आवर अफेयर टूडे। लेकिन ये आपको हमने बताया कि पेटेंट का कंसेप्ट इसी में सबसे ज़्यादा है, बाकी इस सब में पेटेंट का स्कोप ही नहीं है, इसलिए पेटेंट पे किसी भ्रम में आने की जरूरत है। तो सोशल साइंस का जो रिजल्ट है वो तो वैसे भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हाँ, ये कि इसके 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 प्योर के ज्ञान के इस्तेमाल से, प्योर हार्ट के ज्ञान के इस्तेमाल से आपने हार्ट अप्लाइड बना दिया है, लेकिन उसमें पेटेंट का स्कोप है, पहले वाले में भी पेटेंट का कम स्कोप, और सोशल साइंस में तो वैसे भी पेटेंट का स्कोप कम है। सो माइंड इट, इस पर हमने ज़्यादा फोकस इसीलिए दिया सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द पेटेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पेटेंट इन सम मोर क्लियरली। अब वैज्ञानिक को कहाँ फुर्सत है पेटेंट कराने का, तो क्रिएट करते जाता है, और सोशल साइंस और फिर ह्यूमैनिटीज में कहाँ स्कोप है पेटेंट का। कविता वैसे भी निराला की कविता कौन चुराने जा रहा, कोई विधा यदि होगी भी तो उसकी मात्रा कितनी, नवगीत का कोई प्रवर्तक था तो कौन था। अब ये तो हिस्ट्री से ही लोग पता कर ले, अब पेटेंट कराना बड़ा, और वैसे भी कलाकार पेटेंट क्या कराएगा, उसकी प्रकृति ही नहीं होती है पेटेंट कराने। सो एज फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग वी आर दी नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इंस्ट्रूमेंटल, मेडिसिन यूटिलाइजेज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज, दी थोज इन सच डिसिप्लिन इज इंटरप्रेन्योर एंड डोमिनेटेड बाई प्रोफेशनल वैल्यू, पेटेंट्स आर सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। ये सबसे ज्यादा इसी में होता है। तीसरा आपका है सॉफ्ट प्योर, सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन, बैकग्राउंड तो आप समझ चुके हैं इसलिए अब आपको कठिनाई भी नहीं होगी। दीज डिसिप्लिन स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फेनोमेना, यही सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर, मतलब वो जो शुरू का जो आपका अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन था वहाँ से आप निकाल दीजिए ह्यूमनिटीज को, जिसमें सोशल साइंस भी इन्वॉल्व था। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ फेनोमेना, नॉलेज इन दिस डिसिप्लिन इज रीइटरेटिव, व्हिच मीन्स देयर मे बी रिपीटिशन ऑफ नॉलेज व्हेन एग्जामिन्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। पेटेंट क्या होगा, दीज डिसिप्लिन आर कंसर्न विद पर्टिकुलर हैपनिंग्स रादर देन जनरल अकरेंसेज, अनलाइक हार्ट साइंसेज हेयर डाटा इज क्वालिटेटिव, मतलब ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, तो ये हार्ड है लेकिन ये सॉफ्ट है, तो ये फिजिक्स का हार्डनेस यहाँ नहीं है, यहाँ ह्यूमन बींग आया तो सॉफ्टनेस आ गया। सो दिस डिसिप्लिन आर कंसर्न विद पर्टिकुलर हैपनिंग्स रादर देन जनरल अकरेंसेज, अनलाइक हार्ड साइंसेज हेयर डाटा इज क्वालिटेटिव, these researcher and knowledge share a personal relationship, society samaj vyakti interpersonal relationship, there can be different views regarding what verification of data, sach kaha hai ki jhoot kaha hai, sach bhi tha jhoot bhi tha, sach aise tha jhoot waise tha, ye interpretation yahan nahi ho sakta। So there can be different views regarding what verification of data, subjectivity can be high when interpretation are made, there is no definiteness as to what significant questions are to be answered, anthropology and history are some examples of discipline in this type। Anthropology and history are some examples of discipline in this type. Academic community of such disciplines tend to be less structured. वहाँ इसकी तुलना science वाले के group की तुलना। Academic community of such discipline tends to be less structured in comparison to those of hard pure disciplines. हालांकि दोनों theory की तरफ ही है। Publication rate is very lower in comparison to this as well. एंड यहाँ तो पेटेंट और पब्लिकेशन ज़्यादा होगा ही। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल ए डिसिप्लिन लाइक सोशियोलॉजी इज सॉफ्ट प्योर, सोशियोमेट्री ए
सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज हार्ड वर्क। सोशियोमेट्रिक साइकोलॉजी का जो पार्ट है, सोशियोलॉजी का एक पार्ट है वो यहाँ है और सोशियोलॉजी यहाँ है। उसके नेचर के आधार पे है, द लास्ट वन इज सॉफ्ट एंड अप्लाइड या सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन। दीज डिसिप्लिन सिंथेसाइजेस प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स, दीज आर फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन नेचर। जैसे एप्लीकेशन है किसका, इसके ज्ञान का, इसके सॉफ्ट वाले ये सोशल साइंस, यहाँ एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री जैसे ज्ञान का एप्लीकेशन है ये। सो दीज आर फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन नेचर, क्योंकि एप्लीकेशन समाज में है, उसमें आपने बहुत सारा सब्जेक्ट वहाँ से भी उठा लेंगे, यदि विकलांग वाले में से तो देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट उसका था, इथिक्स वगैरह भी उसमें आ जाएगा। दे आर कंसर्न विद द एनहांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ऑफन देयर स्टेटस इज अनसर्टेन, हाँ ठीक है अनसर्टेन। दे ऑल्सो अपियर टू बी डोमिनेटेड बाई इंटेलेक्चुअल फैशंस, दे यूज ए मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव ही तो करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा का ज्यादा इस्तेमाल। केस स्टडीज फ्रॉम फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट टूल इन सच डिसिप्लिन, केस स्टडीज इन डेप्थ स्टडी ह्यूमन बींग के स्टडी, लॉ एंड एजुकेशन आर सम एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स है लॉ एंड एजुकेशन अप्लाइड सब्जेक्ट नौकरी देवा। लॉ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन अदर सॉफ्ट डिसिप्लिन, शुरू में भी हम लोग कर चुके हैं ये, इसके इस पर डिपेंड करेंगे सॉफ्ट पे जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। लॉ एंड एजुकेशन, एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन अदर सॉफ्ट डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फिलोसफी एक्सेट्रा। लॉ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोलिटिकल साइंस एंड मैनी मोर। पब्लिकेशन रेट्स इन दिस डिसिप्लिन आर लो, लेकिन कंपेरेटिवली लो है, इससे तो निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि एप्लीकेशन आस्पेक्ट है, आप मिला जुला के लोग लिखते हैं, लेकिन इस इन दोनों की तुलना में, इस इनकी और इनकी तुलना में तो कम होगा। ह्यूमनिटीज आर ए स्ट्रीम, सॉरी ह्यूमनिटीज पे तो हम लोग को डिस्कस बाद में करना है। सो विकलांग और बेचर के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने समझा और ये जाना कि ये प्योर वाला जहाँ भी पार्ट है ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सप्लाई करता है और इस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल करता है। यदि ये हार्ड की बात करें तो साइंस की तरफ इशारा करता है जिसके नेचर में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है, जिसका अध्ययन ऑब्जेक्टिवली अनवायस्ड मैनर में किया जा सकता है, या ह्यूमन बॉडी की स्टडी कभी भी बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से नहीं किया जा सकता है क्योंकि मानव इतिहास का कोई भी दो व्यक्ति आज तक बिल्कुल एक जैसा नहीं हुआ, तो ये फिर हार्ड की तरह हार्ड होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, अनबायस्ड होगा ही नहीं क्योंकि उसमें बायसनेस तो होगा ही। और फिर ये जो आपका हार्ड सॉफ्ट और ये प्योर मतलब थियोरेटिकल, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन, और हार्ड मतलब सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, सॉफ्ट मतलब सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी कम। और इस तरह से विकलांग बेचर के क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन को रखा था और बताया भी आपको, लेकिन कुछ चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे क्योंकि ड्यू टू दिस टाइपिंग लिमिटेशंस सम फिगर हालांकि ब्लैक बोर्ड को फिर मिटाना उसको ड्रा करना, इसलिए हमने एक दूसरा मैकेनिज्म डेवलप किया है। तो पहले तो आप ये देखें कि जो ये क्लासिफिकेशन है उसका एक ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो सर्किल के भीतर और उस पे चारों किनारे पे आपको चार आयत बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी है। खैर ये इस ये तो आपने देखा, ये हमारा वो मैनुस्क्रिप्ट था जिससे हमने इस आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है और इसको टाइप वगैरह करके आपके पास लिटरेचर क्रिएट करने का प्रयास किया है। दूसरा इसका जो मेरे पास है उसमें हम उसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा,
ये देखिए, इसमें ज्यादा स्पष्ट होगा। ये देख रहे हैं, ये चारों को कैटेगराइज किया हुआ है ताकि सब आप समझ सकें। एक फिगर, अब देखिए, अब देखे होंगे कि आधा सर्किल इधर कटा हुआ है, आधा सर्किल इधर कटा हुआ है, एक आयत इधर, एक इधर, एक नीचे, एक इस तरफ, और उसमें लिखा हुआ क्या है, हार्ड प्योर में इम्फेसाइज डिस्कवरीज एंड एक्सप्लेनेशंस। कौन? हार्ड प्योर। उसमें सब्जेक्ट्स, हालांकि हमने सब आपको बता दिए, मैथमेटिक्स रखा हुआ है, बायोलॉजी रखा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसकी भी चर्चा हमने की। तो ये लेफ्ट साइड में है, उस सर्किल का जो चौथा हिस्सा है उसमें हार्ड प्योर में डाला हुआ है। हार्ड अप्लाइड में इम्फेसाइज प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स, वो भी हमने आपको वहाँ थ्योरेटिकली बता दिया, और उसमें मेडिसिन, इंजीनियरिंग, डिजाइन वगैरह डाला हुआ है। नीचे सॉफ्ट प्योर बाई तरफ जो है उसमें इम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये डाला हुआ है। हिस्ट्री है, लिटरेचर है, आर्ट है, थियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, हमने कहीं कहीं इसको लिखा भी है। और फिर चौथे में जो राइट साइड सर्किल का नीचे वाला पार्ट है उसको सॉफ्ट अप्लाइड रखा है, सॉफ्ट अप्लाइड, और उसमें ये इम्फेसाइज प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब ही आप समझ गए, इथिक्स होगा, मोरल होगा, सोसाइटी होगी, नियम होंगे, कानून होंगे, कायदे होंगे, ह्यूमन राइट्स होंगे, ह्यूमन एम्पावरमेंट होगा, और मेनी मोर, सो सोसाइटी। और उसमें रखा हुआ है एजुकेशन, लॉ, इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मेनी मोर, और ह्यूमन रिसोर्स वगैरह भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन इज ऑफ कोर्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन कंपैरिजन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बिगलांग, बट वन डायमेंशन दैट बिगलांग एज ए थर्ड डायमेंशन हैज टेकन केयर ऑफ हैज बीन ओमिटेड इन दिस पार्ट, लाइफ सिस्टम, और उसको दूसरे तरह से समाहित कर दिया है। और लेक्चर के शुरू में हम लोगों ने बताया कि ये एकेडमिक डायमेंशन लेके चला था बिगलांग 1970s में, जो उनकी थ्योरी आई वो 70 था या 73 था, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, और उस पर मैं कोई आपको कह भी नहीं रहा हूँ कि यही था। लेकिन 1989 में ये सोशल डायमेंशन को भी शामिल किया, और इस दोनों ने मिलके एकेडमिक और सोशल डायमेंशन को इंक्लूड करते हुए ये चार तरह के क्लासिफिकेशन किया, जिसका हमने अभी आपको फिगर भी दिखाया और ऐसे बताया कि कैसे कैसे आप बाइफर्केट करके समझ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि प्योर इज थ्योरेटिकल नॉलेज, अप्लाइड इज एप्लीकेशन, हार्ड इज द नॉलेज विच इज कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इट इज रिलेटेड टू अनबायसनेस, और ऑब्वियस है कि जहाँ मानव होगा वहाँ बायसनेस ज़्यादा होगा, मानव का अध्ययन, और जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ बायसनेस का स्कोप ही नहीं है। लिहाजा ये चार सब्जेक्ट, चार चीज़ यदि आप याद रखेंगे तो हार्ड क्या है, प्योर क्या है, सॉफ्ट क्या है, प्योर क्या है, हार्ड प्योर अप्लाइड क्या है, और फिर हार्ड अप्लाइड क्या है, यू विल बी able to understand in a better way. Hopefully, you have completely understood the Bigelang Becher theory or classification of discipline. I end this lecture with the note that you have understood different theories of discipline. Four we have already discussed. Ek part mein humne charo ko aapka description bhi diya hai. Aur phir ye bhi usi part mein kaha tha. ये चार ही डिसिप्लिन के आज की एग्जिस्टिंग कैटेगरी में नहीं है, और भी कई थ्योरी है, लेकिन हम लोगों ने अपने लेक्चर को डिलिमिट किया था सिर्फ इन चार के डिस्कशन तक। सो इन चारों का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम लोग डिसिप्लिन के क्रम में, जैसा कि हम शुरू कर रहे थे अभी, लेकिन वो अलग पार्ट है, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स का, जैसा कि आपने देखा है, अलग अलग तीन पार्ट में अध्ययन करेंगे, ह्यूमैनिटीज एज ए डिसिप्लिन, नेचुरल साइंस एज ए डिसिप्लिन और मैथमेटिक्स एज ए डिसिप्लिन। एट दिस जंक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड
ऑल द फोर आइडेंटिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन. थैंक यू वेरी मच.